भाई अभी रहने तो अगर देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ भी अगर ऐसा बोला तो उसके लिए सॉरी, मैं आपको कल फोन लगाता हूँ और पूरे आपके जो अरे हमने बोला तेरी ना की, सवाल अरे पूछ। सुनो सुनो सुनो, क्या बोला अभी तुमने, क्या क्या बोले, क्या बोला अभी तुमने कि गलत लगा हो तो? मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने आपसे तू तड़ाके से बात की थी ना, वो आपने बोला हाँ, था हाँ, तो उसके लिए सॉरी बोला आपको। और क्या, अरे तेरी की, मतलब सॉरी बोला? हम तो धन्य हो गए भाई कि मतलब मुसलमान सॉरी बोला हमसे। मतलब इतनी अच्छाई कब से आने लगी भाई साहब? ठीक है भाई अभी देखो अभी क्या है, मैं कल आपको फोन करता हूँ सच्ची। क्या ना ना बताइए ना, फोन? नहीं ना बता, इतनी अच्छाई कब से आ गई? तो भाई हम मतलब ऐसा मतलब हम क्या, वो हम क्या, लैंग्वेज यूज करने वाले नहीं है ना नहीं नहीं जो दूसरे नहीं लैंग्वेज नहीं का। डीएनए में कहीं ना कहीं सनातन है भैया, बदल लो। जय श्री राम, ठीक अब तो बोल दो क्या? जय श्री राम। अरे भाई मैं आपको बोलता हूँ, कल लगाता हूँ ना मैं आपको फोन, नहीं, तुम्हारा नाम क्या बताया? समीर। अच्छा तो आप बोल दो जय श्री राम। अरे भाई हम तो बोलते ही जय श्री राम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, हमको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो बोलो जय श्री राम, तो तो बोला ना अभी आपके सामने बोलो ना। जय श्री राम बोला ना अभी, नहीं तो अभी बोलो ना जय श्री राम। तो नहीं, अगर तुम्हें भाईचारा इतना पसंद हुआ है तो जय श्री राम बोलो ना, जय श्री राम बोला ना अभी। तो बोलो तो। हाँ तो अभी वो बोला तो अभी जय श्री राम। रोको अच्छा जय श्री राम बोल दिया। हेलो, हेलो। हाँ हाँ हेलो। दुबे, हाँ हाँ दुबे जी बोल रहे हैं, बोलो। तो क्या हुआ भाई, इस्लाम के ऊपर कोई वीडियो बनाते, क्या हुआ, क्या मसला है, इस्लाम से क्या मसला है जरा बताओ। कौन हो तुम, हाँ कौन हो मैं कौन हूँ ये जानना क्या तुम, जरूरी कौन नहीं हो? है, मैं नहीं तो, मुसलमान हूँ, मुसलमान समझा, अच्छा मुसलमान। मुसलमान हो, मुसलमान हाँ मतलब हाँ कटुआ, हाँ कटुआ। तू कौन है? हम हिंदू हैं हाँ सनातनी। हिंदू है ना, तो सीधी बात कर दे, मैं बोल रहा मुसलमान हूँ बोल रहा तेरे को। क्या हाँ, तू कटवा बोल रहा नहीं, साले, तो सुन सुन कटवे का सुन मीनिंग सुन बता क्या है मालूम? दे, मैं हाँ बताऊँ, मैं बताऊँ हाँ बता बता कटु बता। कटुआ का मीनिंग बताऊँ तुझे? हाँ बता बता, देख, अब जिसका, बताने के लिए तो फोन किया ना तेरे को। हाँ हाँ बता रहा हूँ ना, बता ना। जिसका हाथ नहीं होता है उसे कहते हैं लल्ला, हाँ जिसका पैर नहीं होता है उसे कहते हैं लगड़ा, हाँ जिसका आंख नहीं होता है उसे कहते हैं काना, उसी हाँ तरीके से जिसकी लूली कट जाती है उसे प्यार से कहते हैं हाँ कटुआ। हाँ 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 नहीं बिल्कुल अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात का हाँ, सुन। तो तू जो बोलता मुसलमानों को कटवा ये सब बोलता, तो अगर हम भी अगर तेरे मतलब भगवान के ऊपर और इनके ऊपर अगर वीडियो बनाना शुरू कर देने, तो याद रखना बहुत अंजाम इसका अच्छा नहीं होता, सुन 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 समझा? सुन सुन, फिर सुन सुन मोहम्मद मेरी साहब बात खतरे में सुन पड़ जाएंगे तेरे बेटा। को। अरे हाँ सुनो, मोहम्मद साहब खतरे में पड़ जाएंगे। अरे भाई तू तेरा जो भोलेनाथ है वो खतरे में पड़ जाएगा, अरे समझा क्या? मैं अगर बता, तेरे ऊपर देख देख वीडियो, देख, तेरे अगर ऊपर तुझे, सुन मेरी बात, सुनो सुन 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 मेरे। सुन, मैं बता रहा हूँ, अभी हाँ अल्लाह, अभी अल्लाह ताला खतरे में है, तभी तो तू फोन कर रहा है यहाँ पे। अबे अल्लाह ताला खतरे में, अबे तू जानता है क्या इस्लाम के बारे में, क्या अरे घंटा जानता है मैं अबे तू? मेरे को क्या, पहले ये मेरे बता, पास तेरे कुरान को अभी है, गाली दे के मेरे बात पास नहीं करा, कुरान सही है, तकदीर समझ, समझा क्या? मेरे पास कुरान है बेटा, तू ओहो कुरान है क्या? तो हम यहाँ भगवत गीता लेके बैठे, तेरी बता रहे खादने के लिए ना, बैठे है ना यहाँ पे, समझा? तो बता रहे ना, हमारे हमारे पास भी यहाँ कुरान अबे है, ठीक ना? हाँ ठीक, अरे तू कुरान, अबे कुरान के एक हरूफ को पढ़ पहले, समझ समझा, फिर क्या उसके बाद आके बिल्कुल बहुत बच्चे देखकर अच्छे, यूट्यूब के ऊपर। बेटा हाँ बेटा बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ मैं, ठीक ना? ओहो हाँ, बहुत बड़ा हाँ आलिम है क्या तू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आलिम हूँ वो, बिल्कुल। देखिए हाँ मेरी बात सुनिए, मैं एक किस बात बोलने तेरे को फोन लगाया कि हाँ बोल। मुसलमानों के ऊपर वीडियो बनाने का छोड़ दे, कोई मुसलमान थुकता भी नहीं है तुम लोग, और तुम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाते अरे हो, क्या थूक मतलब थूक, मसला क्या है ये जो तेरे ऊपर, ये जो मेरे को जो बता। खुद गंदगी है, जो मुसलमान खुद गंदगी है, वो ओ मतलब मुसलमान गंदगी है थूकेगा क्यों? क्यों? हाँ जो खुद क्या गंद, बोला? जो खुद गंदगी है वो क्यों थूकेगा? ओ खुद गंदगी है मतलब तुम लोग बहुत पाक साफ है क्या? नहीं मतलब नहीं तुम्हारी नीचे की अरे लुल्ली नहीं कटी तो तुम लोग ये है क्या, बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन है क्या नहीं तुम? नहीं हम तो फुल साइज लुल्ले वाले हैं, हाँ फुल साइज है ना हम तुम्हारे, हमें हमें काटने की आवश्यकता ही, मतलब हमें काटने की आवश्यकता ही नहीं है, केला पूरा है तुम्हारा है ना? बता रहे हैं ना, हमें काटने की आवश्यकता ही नहीं है हाँ ओहो कि अंधविश्वास के नाम पर मतलब अंग भंग करवा लें, हाँ इसकी आवश्यकता ही नहीं है हमें। ओहो और अभी भी, और अभी भी तू अभी वीडियो सुनो सुनो सुनो, अगर अभी भी बनाना हो तो, बताना हो तो नाम बता दो, क्या?
अभी भी बताना हो तो नाम बता दो कि नाम क्या है तुम्हारा। नाम लेके क्या करेंगे पहले मेरे को वो बोल, मैं देख मेरी बात सुन। समीर है मेरा नाम, बोल समीर क्या करेंगे बोल। पूरा नाम, पूरा नाम लेके क्या करेंगे, मेन नाम लेना समीर। अरे पूरा बताओ ना, समीर खान अहमद अंसारी लिंड लहसन क्या। देख सीधी बात कर रहा है क्या, मुगलों को भी क्या तेरे से प्यार से बात कर रहा, तो प्यार से बात कर रहा है। और अगर तू गालियां सुन सुन सुन, तेरे पास फोन करने मैं तो नहीं गया, मास्टर डिग्री है। सुन 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 क्या, तेरे पास फोन करने मैं तो नहीं गया। अरे फोन करने नहीं गया, वो नहीं, ये नहीं गया, ये नहीं, ये बात नहीं है यहाँ। मैं कल को तेरे फोन करा मालूम है क्या। मैं बता रहा हूँ तेरे पास फोन करने मैं तो गया नहीं। वो छोड़, वो बात दूसरी भी, तू जो और मुझे तुमसे बात करना ही नहीं है, तुम्हें हमसे बात करना है। तो मैं देख सुन मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, तू इस्लाम के ऊपर भोकना छोड़ दे, बस इतना ही बोल रहा हूँ। पहली बात की इज्जत से बोल, क्योंकि मेरे पास मुझसे बात करने के लिए फोन तू किया है। सुन बता रहा हूँ, ये भोकना वगैरह जो हुआ ना, हमें मत सिखा, बहुत भोगना। अबे भोगने सुनिया मेरी बात, तेरे ऊपर भोगना नहीं, तेरे को धमकी दे रहा हूँ समझा, फोन के ऊपर खुली धमकी। अबे धमकी तो दूसरों को हम देते हैं। बोल, तुम लोग जो हमारे मतलब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो तुम लोग टिप्पणी करते हो ना, ये बंद करो। तुम लोग एक बात बताओ, कौन सी टिप्पणी, कौन सी टिप्पणी तेरे पूरे चैनल के ऊपर, तो पूरा मतलब तूने पूरे मुसलमानों को गाली दी और तूने पूरा तो मुसलमानों को बोला ना। तू एक वीडियो बता, देख तू एक खुद चैनल का रन करता है, मेरे को ये बता। देख देख सुन बता रहा हूँ, इतना टाइम तो है नहीं कि अपना चैनल मैं खुद देखूं, ठीक ना, इतना टाइम तो है ना कि अपना चैनल मैं खुद देखूं। तुझे अगर कुछ गलत लग रहा हो तो बताना। तो गलत लग रहा बोले तो तू वीडियो बनाया था। सुन मेरी बात, सुन सुन, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, तुम लोग जाहिलों के जैसे आ जाते हो बकचोदी करने के लिए। तुम्हारे पास खुद कोई प्रूफ नहीं होता है, तुम मुसलमानों के पास कि कोई प्रूफ हो कि बता सको कि हाँ इस वीडियो में गलत बोला ऐसे। अच्छा, मतलब सुन सुन बता रहा हूँ, ऐसे मतलब सुन 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 पहले सुन, तुम लोग सिर्फ फेंकने लगते हो बिना मतलब के कि हाँ तुमने अपने हर चैनल में मुसलमानों को गाली दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु पता नहीं कौन से वसल्लम के बारे में वो क्या गुस्ताखी कर दी, पता नहीं नबी के शान में पता नहीं कौन है नबी, जो भी हो ठीक ना, तो उसके शान में गुस्ताखी मैं कहाँ करी, पहले बताओ मतलब तो सही। ना किसी जानकारी की, किसी भी धर्म को मजहब को टारगेट मत कर। आज तक हमने कभी भी तुम्हारे मजहब को टारगेट किया क्या, पहले मेरे को इतना बोलते हो। कल्ट क्या, क्या कल्ट, क्या कल्ट मजहब। हाँ तो मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ मालूम है, हम लोग ने तू कितने भी जो है चैनल उठा के देख, कभी तुम्हारे भगवान को दी क्या हमने, एक भी गाली दी क्या, बता देख तेरा पूरा चैनल मतलब पूरा तू यूट्यूब छान मार ले, कोई भी ऐसा चैनल तेरे को नहीं मिलेगा जिसमें हमने तेरे मतलब भगवानों को गाली दी, वो खान, काली माता को गाली दी, किसी को भी गाली नहीं दी हमने। हीर खान, हीर खान जो कुछ दिन पहले रैली गई अभी जेल में है। हाँ तो वो मतलब अगर तू देख एक मतलब बंदे के लिए पूरे मजहब को टारगेट तो नहीं कर सकते ना तुम लोग। अबू फैजल, अबू फैजल मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, एक एक बंदे के लिए पूरे मजहब को तो टारगेट नहीं कर सकते ना। देख देख पहले सुन, अबू फैजल, हीर खान, असम कोटी, हाँ बोल बोल सुन रहा हूँ ठीक ना। अभी, तो अभी, अभी, ये लोग मजहब का टारगेट मतलब जब तुम करते हो तब हम कर देंगे नहीं, नहीं बता रहा हूँ ऐसी होती है भाई। सुन सुन, अरे तो बता नहीं, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, और मतलब तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला है। अरे भाई जब तुम कर दे हो तो हम तुमको रिप्लाई देते हैं नहीं, अगर जब तुम कुछ नहीं करोगे तो हम क्यों रिप्लाई देंगे। और जो तुम्हारे जो मतलब सुनो मेरी बात सुनो, अगर इतने ही अच्छे हो तो मुसलमानों को समझाओ ना क्या, हाँ की टिप्पणी करना बंद करे, जगह जगह जिहाद करना बंद करे, नर्सों के साथ कौन करते भाई कौन, मतलब पहले सुन लो ना, जिहादी ये कहाँ से नाम निकाल देते हैं, सुन लो ना, कौन से मुसलमान बता रहा हूँ ना, जगह जगह जिहाद करना बंद करे, नर्सों के सामने नंगा नाच बंद करे, नर्सों के सामने जो पिछले लॉकडाउन में ये कपड़े उतार उतार के नाच रहे थे नर्सों के सामने। भाई देखो मेरी बात सुनो, वो सब मेरठ की घटना है, देखो मुसलमान सुनो,
जो मुसलमान गलत करता ना तो उसको कितनी भी गाली देने का दो, उसके माँ बहन के ऊपर दो, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, पूरे मजहब को टारगेट करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। एक चीज बताऊं, अभी मैं अबू फैजल को कल एक एक वीडियो बना के गाली दूं, ठीक ना? कौन? हेलो, अबू फैजल को कल एक वीडियो बना के मैं गाली दूंगा, उसमें देख लेना 8 से 10 मुसलमान आ जाएंगे हमें गाली देने के लिए। इतना तो भाई वो ऐसे मतलब अगर उसने तुम्हारे नहीं नहीं इतना दोगला प्रेम इस्लाम में आता कहाँ से है? नहीं सुनो, पहले से है या पहले से है या अलग से ऐड किया जाता है? नहीं नहीं सुनो मेरी बात, अगर कोई अगर वो अगर तुम्हारे भगवान को गाली देता है या किसी को भी गाली देता है ना, तो आप मतलब उसको दो गाली, कोई मसला नहीं। अगर कोई मुसलमान उसके सपोर्ट में आता एक है बताओ, तो फिर आप एक हमको बोलो, हम उसको समझाएंगे। देखो पहली बात कि धर्म का पाठ ना पढ़ो, क्योंकि मैं जितना हिंदू धर्म के बारे में जानता हूँ उससे कहीं ज्यादा इस्लाम के बारे में जानता हूँ, पहली चीज। पहले सुन लो और कोई हमारे भगवानों को गाली दे और हम पर्सनल उसको गाली दे, भैया इतने महान ना है हम। पहली चीज सुनो, पहले सुन लो, अगर सीधी बात बता रहे हैं तुमसे कि पहली बात कि अगर हमारे भगवान को कोई टारगेट करेगा तो फिर वो मोहम्मद साहब भी सुरक्षित ना रहेंगे, अल्लाह ताला भी सुरक्षित ना रहेंगे, ताला तो खुल जाएगा। सुनो मेरी बात सुनो, नहीं बता रहे हैं ना अल्लाह ताला सुरक्षित ना रहेंगे, ताला खुल जाएगा भैया। नहीं सुनो मेरी बात सुनो, बता रहे हैं जिस नहीं नहीं तुम तुम अल्लाह को मतलब जो तुम बोल रहे हो अभी हमें अल्लाह सुरक्षित देंगे, ये तुम जो बोल रहे हैं ये सब तुम किसको बोल रहे हैं? अभी मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, तुम जो अभी मैं तुमको कुछ यहाँ पे बोलूंगा तो तुम बोलेंगे कि भाई ये भाईचारा नहीं है, भाईचारा हमें ना चाहिए। हाँ फिर तुम बोलते हो ना कि जिस थाली में मतलब तुम, मैं तुम्हारा बहुत पहले भी वीडियो देखा था, जिस थाली में क्या मतलब रोटी के साथ गाय खाते हो। हाँ, कुछ आपने बोला था। हाँ बिल्कुल, हम बोले थे। हाँ हमें ये बोले थे कि गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय को रोटी के साथ खाने वाले आपस में भाई भाई नहीं हो सकते, क्योंकि सुअर और समझ रहे हो ना, सुअर और शेर एक थाली में नहीं खा सकते, क्योंकि कुछ होते हैं जो गु खाने के लिए पैदा होते हैं और कुछ होते हैं जो मांस खाने के लिए पैदा होते हैं। तो भाई लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है आपको, तो हाँ। एक किसी भी एक बंदे के लिए अगर वो बंदा गलत करता है तो गाली दो, मैं ये बोलता हूँ इस्लाम को टारगेट नहीं करना चाहिए ना इसके। अगर अगर हमारे भगवान को कोई टारगेट करेगा तो फिर अल्लाह पल्ला कोई भी सुरक्षित ना रहेगा। नहीं तुम्हारे मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो पाकिस्तान देखो, अगर इतने रात गए फोन किए हो बात करने के लिए तो सुनने की हिम्मत भी रखो। अरे तो सुनने की हिम्मत भी है, मैं उसका जो तो आपको कॉल किया ना, मैं आपको बोलने का कॉल किया कि भाई मुसलमानों को जो आप ये गाली देते हो पहले तू से आप पे कैसे आ गए, तू से आप पे कैसे आ गए तुम, मतलब तू से मतलब आप भी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो मैं भी रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए तू से बात किया, स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ, मैं देखो से बात मतलब ये कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हो जो गंदगी मचाई गई है वो सूरों के द्वारा ही मचाई गई है। मतलब सुनो भाई मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ सुनो, स्टार्टिंग में मैं आपको इसलिए फोन लगा के मतलब तू से बात कर रहा, क्योंकि मुझे आपकी जो मैं वीडियो देखता हूँ ना मुझे बहुत गुस्सा आता है आपके ऊपर, आप अच्छा? सब मुसलमानों को टारगेट करते हो नहीं, इसलिए मैं आपके ऊपर गुस्सा आता और ना, 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 मैं सिर्फ सुअरों को टारगेट करता हूँ। तो जो गलत काम करेंगे उनको बेशक बोलो, हमको उससे कुछ ये नहीं मसला नहीं है। सुनो सुनो, गलत काम नहीं, जो गलत का साथ देते हैं वो भी हमारे नजर में सुअर ही है, ठीक ना? तो फिर आप भी तो गलत का साथ देते हो ना फिर? कौन सा गलत? हम बता रहे हैं हम सनातनी है, हिंदू है, न गलत करते हैं न गलत का साथ देते हैं। हाँ तो गलत का साथ तो तुमने मतलब दिया, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहा गलत का साथ दिया। वो जो दासला मंदिर में मतलब वो जो एक लड़का पानी पीने गया था, उसके बारे में क्या कुछ नाम था उसका, उस जिहादी का बोलिया। हाँ देखो अभी अभी भी मुंह से तुम्हारे यही निकल रहा है ना भाई, जिहादी बोलते हो, कटुआ बोलते हो, मतलब अच्छी लैंग्वेज यूज कर सकते। हम बता रहे हैं वो जो झाट भर का लौंडा था ना, वो बहन का लौंडा सुअर था और वहाँ पे जाकर मंदिरों के दीवारों पे जाके मूत रहा था, अगर हम वहाँ होते उसकी मां चुत दिए होते। नहीं मतलब कोई ऐसा आपके पास प्रूफ नहीं था क्या वो मतलब वीडियो हम बता रहे हैं ना,
अब क्या तुम सुसु करते हो और कर रहे हो तो क्या तुरंत ही कैमरा ऑन हो जाएगा, तुरंत ही वीडियो बनने लगेगी? सुसु करने में कितना टाइम लगता है? सुनो नहीं, मंदिर के आसपास जब कोई मतलब जब वहाँ थे क्या? तब वो वीडियो तो वायरल कर सकते थे ना, मतलब ये बात बोल रहा हूँ क्या? आजकल मतलब वो सुसु कर रहा है और हम देख के वीडियो बनाए कि कितने अच्छे से सुसु कर रहा है मुसलमान का लौंडा। ना सुनो 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 बता रहे, मुसलमान का लौंडा कितनी प्यारी सुसु कर रहा है। नहीं अरे भाई मतलब इतनी जाहिलियत लाते कहाँ से हो? सुनो सुनो बता रहे, इतनी जाहिलियत लाते कहाँ से हो ये बता दो पहले। मैं तुमको क्या बोल रहा, पहले मेरी बात सुनो। मतलब कोई हिंदू तुम्हारे मस्जिद के दीवार पर जाकर मोते तो तुम क्या वीडियो बनाओगे वहाँ पे? अरे भाई किसी की हिम्मत भी नहीं है ना ऐसा मतलब करने की। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, तो वही चीज इसीलिए उसको ठोका गया अच्छे से। देखो मेरी वो तो मुझे कहीं ना कहीं वो सुअर जो गंध फैलाया हुआ था ना। नहीं अभी मतलब सबको जिहादी बोलना ये बात तो सही नहीं है। नहीं क्या ये बात सही है? क्या ये है मतलब गलत है ये बात? क्या गलत है? सबको मतलब जिहादी बोलना, सबको पूरे मुसलमान कौम को पूरे ये बोलना क्या जिहादी बोलना? अरे जिहादी है तो बोलते हैं भाई। हाँ तो क्या मतलब क्या जिहाद करे वो तो होना नहीं, प्रूफ क्या? जगह जगह जिहाद करते हैं, कहीं महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, कहीं मतलब महिला मुसलमान थोड़ी ना करता है भाई, वो तो हिंदू भी कर सकता है ना। हिंदू भी कर सकता है। अच्छा तुम ऐसे अच्छा? तुम ऐसे 5 केस बता दो जिसमें मुसलमान लड़कियों का बलात्कार हिंदुओं ने किया। देखो सुनो मेरी बात, अभी वो तुम जो अभी जो वीडियो बनाते हो उसके अंदर तुम सिर्फ मुसलमान का नाम लेते रहते हो। नहीं तो इसका मैं बोला तुमको एक चीज बताओ, तुम मुसलमान हो ना? हाँ मुसलमान हूँ। अगर असली मोहम्मद के बीज हो के पहली चीज, देखो भाई ये नहीं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, लास्ट एक सवाल। अगर तुम असली मोहम्मद के बीज होगे और अगर अल्लाह को मानते होगे तो तुम सिर्फ 5 ऐसी घटनाएं बता दो जिसमें मुसलमान लड़कियों का बलात्कार हिंदुओं ने किया। चलो तो भाई यहाँ तो हम बता रहे हैं तुम्हारे सामने वीडियो कॉलिंग पे लाइव मुच्छे मुड़ा लेंगे और इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। अच्छा भाई लेकिन तुम मुसलमान हो ना? अब तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर असली मोहम्मद के बीज हो गए और अल्लाह के मानने वाले हो गए, सिर्फ 5 घटना ऐसी बता दो कि मुसलमान लड़कियों का बलात्कार हिंदू लड़कों ने किया, लाइव पे अपनी मुच्छे मुड़ा लेंगे और इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। सुनो चल, अगर हमारे पास प्रूफ होता ना, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अगर नहीं नहीं फोन तुम नहीं नहीं बता रहे ना, तुम अभी फोन काट के भाग जाओगे हमें पता। सिर्फ 5 गूगल कर लो, चलो गूगल कर लो। हाँ तो भाई फिर मैं आपको कल कॉल करूंगा। नहीं नहीं कल नहीं, अभी बताना है। नहीं अभी नहीं, क्यों? अभी बताओ, अभी बताओ, चलो। नहीं भाई मैं आपको बोल रहा हूँ नंबर ब्लॉक कर देंगे आप। कल नंबर कौन ब्लॉक करेगा? कल मैं आपको लगा के बताऊँ ना फिर। नहीं नहीं अभी बताओ, तुम अभी बताओ, लाइव पे मुच्छे बुला लेंगे और इस्लाम स्वीकार कर लेंगे अगर तुमने बता दिया, अगर असली मोहम्मद के बीज हो तो। और अगर नहीं बता पाए, नहीं अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम हिंदू धर्म स्वीकार कर लो, आ जाओ सनातन धर्म में, तुम्हारा स्वागत है भाई। देखो कल मैं आपको सनातन में तुम्हारा स्वागत है, आओ। देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, भगवान के शरण में आओ, जिहाद छोड़ो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामय, यहाँ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मतलब सभी का कल्याण हो, सब सुख चैन से रहें, आ जाओ सनातन में। तो भाई मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जहाँ भी काफिरों को देखो वहाँ मारो, इस प्रक्रिया से बाहर निकलो। ये बात गलत है, मैं आपको बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो, थोड़ी इंसानियत का बात बढ़ो। मैं आपको अभी बताता हूँ, हमें पता है कि जो गैर मुसलमान है वो काफिर है, हमें ज्ञान मत दो, हमें ज्ञान मत दो, हमें ज्ञान मत दो। ज्ञान का नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जो गलत बात कर रहे हैं, जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है।
देखो हाँ वो तो सही है, जो अल्लाह को नहीं मानता और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता वो काफिर है। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते मेरी बात, और काफिर किसको बोला जाता है मालूम है? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम काफिर है। हाँ वो छोड़ो, आप तुम नहीं मानते हो, नहीं मानते वो बात अलग है। हम हम नहीं नहीं बातों को घुमाओ मत, जो पांच बोले है ना, चलो तुम भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना, पांच जो आप मतलब मैं आपको बताऊंगा प्रूफ, तुम जाहिल हो, हम बता रहे हैं तुम मुसलमान जाहिल हो, ठीक ना? हाँ हाँ ठीक है, वो तुम्हारी सोच है भाई, हम क्या कर सकते हैं, अभी इतना बोलने के बाद तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी। हम तुमसे कई क्वेश्चन किए, हम बताए कौन सो कौन सी क्या, हम बता रहे हैं तुमसे, हम कई प्रश्न पूछे। पहला ये पूछे कि हमने किस वीडियो में मोहम्मद को गाली थी, तुम वो नहीं बता पाए। तुम सुनो 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 बता रहे हैं, हाँ सुनो बता रहे हैं, सुनो 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 बता, सुनो बता रहे हैं, पहले पहले सुन लो, सुनने की क्षमता रखो अगर इतने रात को फोन किए हो तो, ठीक ना? पहली चीज कि हमने ये पूछा कि हमने किस वीडियो में गाली दी, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें सिर्फ इतना पता अपना चैनल चेक करो, चैनल चेक करो, जाहिलों के जैसे बात कर रहे हो, ठीक। दूसरा ये बोल रहे हैं कि कौन सा जिहाद कर रहे हैं, तो हमने कई जिहाद का नाम रखा, जैसे जगह जगह नर्सों के सामने थूक रहे हैं, नंगा नाच कर रहे थे मेरठ में, उसके बाद से जो कई चोर हैं, बलात्कारी हैं, जिहादी हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद, पता नहीं कौन कौन सा जिहाद है, ठीक है ना? अलग अलग जिहाद की घटनाएं बताए, तो तुम बोलो कि वो कुछ कर रहे हैं, चलो तुम बोलो कि अगर भगवान को टारगेट कर रहे हो तो तुम पर्सनल उसको टारगेट करो। हम बता दिए कि भैया इतने अच्छे नहीं है हम, ठीक ना? जो हमारे भगवानों को टारगेट करेगा हम, तो फिर अल्लाह और मोहम्मद भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। पहले सुन लो, उसके बाद से तुम कुछ और बोले, तो हम सिर्फ एक प्रश्न पूछे कि सिर्फ पांच ऐसे बलात्कार का नाम बता दो। तो भाई मैंने सुनो मेरी बात, भाई मैं पहले आपको क्या बोला, सुनो 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 सुन पहले सुन लो, तुम पूछे ना हमसे, बात करने भी दे रहे हैं, सुनो सुनो बता रहे हैं, तुम हमसे ये पूछे कि मतलब बलात्कार हिंदू भी कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ये पूछे तुमसे कि ऐसी पांच घटनाएं बता दो जिसमें मुसलमान लड़कियों का बलात्कार हिंदू करते हैं और किए हैं, सिर्फ पांच घटनाएं बता दो। तो भाई मैंने क्या बोला, हम लाइव पे मुझे मुड़ा लेंगे और इस्लाम स्वीकार कर लेंगे, और अगर तुम नहीं बता पाए अभी, तुम नहीं बता पाए तो तुम हिंदू धर्म स्वीकार कर लो, करोगे? करोगे तो भाई सुनो ना मेरे, करोगे? करोगे? मैं पहली बात अगर एक पिता के बीच होगे तो हिंदू धर्म स्वीकार कर लो, और ना जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे दो। नहीं सुनो मेरी बात, नहीं 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 सुनो, मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि हिंदू हम बता, नहीं 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 तुम बलात्कार, तुम बलात्कार की बात किए तो हम जो पूछे उसका जवाब अभी दे दो, या तो हिंदू धर्म स्वीकार कर लो अगर एक पिता के अपने अब्बू के बीच हो गए तो हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो, या फिर हिंदू बन जाओ। इसलिए तो कॉल किया ना? नहीं 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 नहीं, अगर अपने अब्बू के बीच हो गए तो हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो, या फिर हिंदू बन जाओ। देखो भाई सुनो मेरी बात, नहीं अभी क्या मालूम किया, यूट्यूब के ऊपर आपका नंबर मिला, सुनो जाहिलों की जैसे बात ही मत करो हमारे सामने। अरे जाहिलों की बात नहीं भाई, इतना समय ही नहीं जाहिलों की जैसे बात ही मत करो, क्योंकि इतना समय हम देते ही नहीं है किसी को बात करने के लिए, क्योंकि हमें पता है ना कि मुसलमान बात कैसे करते हैं, माँ बहनों माँ बहन से शुरू करेंगे और दादी पे जाके रोकेंगे, ठीक ना? जो गालियाँ हमें बहुत अच्छे तरीके से आती है, तो नहीं मेरे को बताओ कि मैंने आपको अभी दी क्या? नहीं नहीं गाली, एक भी दी गाली मैंने आपको, दी क्या? क्योंकि तुम्हें पता है ना क्रिया का प्रतिक्रिया तो होगा। हाँ तो वो भी है, चलो अगर तुम मेरे को गाली दे दो, जो पूछे हैं वो बता दो। तुम बलात्कार की बात की, हम बलात्कार की बात कर रहे हैं, तुम बता दो। सुनो ऐसी पांच क्या आठ घटनाएं पूछो, हम बता देते हैं। तो भाई सुनो, हमने ये तो नहीं बोला ना कि भाई हिंदू बलात्कार करते, तुम बोलते हो कि मुसलमान बलात्कार करते हो, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो वो 90% ऐसी घटनाएं हैं जिनमें बलात्कार मुसलमान करते हैं। क्योंकि बलात्कार मुसलमान की उपज ही है,
नहीं, वो शायद वो किसी धर्म के नहीं होंगे, वो बीच के होंगे, इसलिए वो इस तरीके की जो हरकत करते हैं। वो बीच के नहीं, वो सिर्फ इस्लाम के हैं, वो बीच के नहीं। नहीं, वो इस्लाम को भी नहीं, इस्लाम को नहीं मानते लोग। हमें इस्लाम मत सिखाओ, हमें बहुत अच्छे से इस्लाम के बारे में आता है। मैं तुमको इस्लाम सिखा रहा हूं, मेरे को शौक भी नहीं है सिखाने का। मैं बता रहा हूं बीच के हैं करके बोल रहा हूं मैं। नहीं नहीं, हम बता रहे हैं, हमें इस्लाम मत सिखाओ, हमें बहुत अच्छे से इस्लाम आता है, इस्लाम के बारे में जानकारियां हैं हमारी। अच्छा भाई, मुझे ये बताओ कि किसी के भी अगर मतलब मजहब को बिना वजह अगर कोई टारगेट करता है, अगर कोई तुम्हारे मजहब को टारगेट नहीं कर रहा, बिना वजह कोई उसके मजहब को टारगेट करता है, तो क्या ये सही है क्या गलत है? मेरे को ये सवाल का जवाब दो बस। पहली चीज कि हमारा मजहब नहीं है, हमारा धर्म है। हाँ ठीक था, तो फिर अगर तुम्हारा धर्म है तो हमारा भी तुम्हारा होगा मजहब, ठीक ना। लेकिन जो प्रश्न पूछा हूँ, बलात्कार की बात किए, बलात्कार की बात हम भी किए, तुम उस प्रश्न का उत्तर दे दो। अगर अपने अब्बू की संतान हो गए तो उस प्रश्न का उत्तर नहीं, कल मुझे प्रूफ करने का मौका दो ना। बता रहे हैं ना, पूरा गूगल सुनो, बता रहे हैं, अगर अपने अब्बू की संतान होंगे तो या तो हिंदू धर्म स्वीकार कर लोगे, नहीं तो हमारे प्रश्न का उत्तर दे दोगे अभी। अरे भाई, मैं तुमको यही बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा मौका है। तो भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी सुनो मेरी बात, सुनो ना। इंसानियत की पाठ, इंसानियत की पाठ पढ़ो, सनातन धर्म में आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा, आओ ना, भाईचारे से रहते हैं। तो भाई हम थोड़ी ना मतलब हमारे हिंदू भी हैं यहाँ पे, मालूम है क्या आपको? नहीं नहीं, तो तुम भी हिंदू बन जाओ, आओ भाईचारे से रहते हैं, भाईचारे के साथ। कितने हिंदू हमारे यहाँ पे दोस्त भी आपको मालूम है क्या? नहीं 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 नहीं, वो कितने हिंदू है तुम्हारे दोस्त ये हमें नहीं पता, ठीक ना। तुम वो भी हमारे मतलब नहीं नहीं, हम बता रहे हैं, तुम एक थाली में खाते होगे, एक लैट्रिन में हगते होगे, ये प्रक्रिया पुराना हो गया। हाँ, अभी ये लैंग्वेज जो तुम अभी ये जो यूज करे ना, लैंग्वेज अच्छी, ये मतलब मस्त लैंग्वेज है। नहीं नहीं नहीं, बता रहे हैं ना कि मतलब लैंग्वेज भी सही नहीं यूज करते भाई, कुछ भी बोलते हैं ऐसे, मतलब अच्छी बात नहीं है। ये घटना पुरानी, ये घटना पुरानी हो गई कि हम हिंदू मुसलमान एक थाली में खाते हैं, एक लैटरिन में हगते हैं, ये प्रक्रिया पुरानी हो गई, कुछ नया लाओ। क्योंकि इससे हम मतलब हमारी मानसिकता इससे नहीं बदलने वाली, क्योंकि हमारी मानसिकता इंसानों की मानसिकता है, ठीक ना। अच्छा, अगर भाईचारे के साथ रहना है और इतने ही अगर हिंदू प्यारे हैं तो आज सनातन धर्म स्वीकार करो, तुम्हारा धर्म परिवर्तन कराते हैं हम, बकायदा पूजा पाठ अर्चना करवाई जाएगी, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद दिया जाएगा, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। हाँ तो भाई मैं हम बता रहे हैं ना, भगवान परशुराम के फरसे का पूजा करो, जो कितने वीर थे, महान थे, पराक्रमी थे। तो भाई मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी बोल रहे हो कि भगवान, सुनो सुनो बता रहे हैं ना, भगवान राम जो रावण जैसे राक्षस का वध किए, उनके शरण में आओ ना। तो भाई सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर भाईचारा निभाना हो तो आओ ना। नहीं नहीं सुनो ना, अगर इतना ही भाईचारा तुम्हें पसंद है, तुम्हें लग रहा है कि हम लोगों को भाईचारे के साथ रहने चाहिए, तो तुम्हें हिंदू बनने में क्या आपत्ति है? तो भाई मेरी, मैं अभी तुमको क्या बोल रहा हूँ मालूम है? अच्छा, तुम्हें भाईचारे के साथ रहना है या नहीं ये बताओ। अरे भाई मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पता है हिंदी हमारे सब, तुम मुसलमान हो, तुम्हें भाईचारे के साथ रहना है या नहीं? तो भाई हम जब ये आती है, सुनो ना भाई, आपकी मतलब ये जो गणेश चतुर्थी आती है, मतलब आपके जो भी मतलब हम बता देते हैं, गणेश चतुर्थी आती है तो तुम भी कमर मटकाते हो, ये मत सिखाओ हमें। होली आता है तो भाई, सुनो बता रहे, होली आता है तो तुम भी लोगों को गुलाल लगाते हो, ये मत सिखाओ, ये प्रक्रिया पुरानी हो गई। अगर इतना ही भाईचारा पसंद है तो आओ ना हमारे साथ। नहीं भाई, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि मतलब जितने भी हम सब जो मुसलमान हिंदू जो भी है, मतलब हम सब मिलजुल के रहते हैं, मतलब ये आप लोग कहाँ से मतलब दिल में अपने ये पाल लिए हैं? अगर भाईचारा पसंद है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते? अगर हिंदुओं से इतना प्रेम है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते? तो भाई मैं आपको वही बोलने लगा हूँ कि
मिलके रहो, गाली गलौज मत करो, बस इतना ही बोलने आपको लगा है। नहीं, 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 पहली चीज की गाली गलौज तो हम करते ना है, ठीक ना। तो क्रिया का प्रतिक्रिया होगा, क्रिया का प्रतिक्रिया होगा, सुनो 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 सुनो, हम बता रहे क्रिया का प्रतिक्रिया होगा, ठीक ना। और फोन करने के बाद अगर अपशब्द का प्रयोग करना है तो सबसे पहले तुमने प्रारंभ की थी, चाहे तू तड़ाक से ही बात करना हुआ या जो भी हो, ठीक ना। तो भाई स्टार्टिंग में की ना, उसके बाद तो मैंने आपसे अच्छे से ही बात की। तो उसके बाद क्या सॉरी बोल लिया आपको पाकिस्तान से, जो कॉल आते उसके, उसके बाद क्या सॉरी बोल लिया क्या क्या? तो अरे भाई मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, कि ये सब मतलब ये हिंदू मुस्लिम को, मतलब ये मुस्लिम को तुम बोलते हो ना कटवे जिहादी, और मतलब बहुत से तुमने नाम दे दिया अभी मुसलमानों को, बताए ना हम कटुआ का डिफिनेशन पता है ना। तो भाई वो सबको मालूम है, वो कुछ बात नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ गलत है क्या, मैं आपको ये बोल रहा हूँ सुनो ना, जो कटुआ का डिफिनेशन पता है गलत है क्या? तो भाई मैं वही बोल रहा हूँ आपको सुनो। नहीं नहीं, 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 एक प्रश्न का उत्तर तो तुम दिए नहीं बलात्कार वाली, कटुआ का डिफिनेशन गलत है क्या जो बताए हम? अरे भाई गलत है या सही है ये बताओ, मालूम था कटुआ का डिफिनेशन जो हम बताए वो गलत है या सही है ये बता दो। अब वो भाई, अब वो तुम्हारी थिंकिंग वैसे है तो मैं क्या थिंकिंग नहीं, गलत है या सही है? अरे भाई वो हमें पहले से मालूम था कि आप जो ऐसा बोलते हो ना कटवा बिटो, तो हमको मतलब अच्छा नहीं लगता था कि भाई क्या किस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं भाई मुसलमान लोग। अब अच्छा लगेगा तो आपका नंबर है भाई, अब अच्छा लगेगा ना क्या? अब तो बुरा नहीं लगेगा ना कटवा, तो अरे नहीं नहीं सुनो सुनो बता रहे कहने का मतलब, जैसे हम कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वैसे ही तुम लोगों को कहना चाहिए गर्व से कहो हम कठुए हैं। हाँ तो भाई सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। हाँ बताओ। तो मैं बस तुमको इतना छोड़ने लगा है कि तुम स्वीकार कर रहे हो या नहीं कि तुम कठुए हो, क्योंकि ये जो अभी ये तुम्हारी अच्छी लैंग्वेज है क्या मतलब? नहीं नहीं, क्योंकि हमने डिफिनेशन बताया, अगर डिफिनेशन गलत हो तो बता दो। तो भाई सुनो अभी वो डिफिनेशन क्या बोलने के लगा डिफिनेशन अगर गलत हमने बताया हो तो बता दो अभी। ये नहीं सुनो मेरी बात सुनो, हमने डिफिनेशन गलत बताया या सही बताया सिर्फ इतना बताओ। अब वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है कि आपने सही बताया। सोच नहीं, डिफिनेशन डिफिनेशन गलत है या सही है ये बताओ। नहीं वो आपको मालूम, हमको नहीं मालूम। क्यों, हम तुम्हें बताए ना डिफिनेशन गलत है या सही है ये बताओ। अच्छा नहीं, मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। जो आपका वो मतलब प्रश्न जो पूछे, सुनो सुनो सुनो, हम बता रहे हैं जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर दो कि डिफिनेशन सही है या गलत है। अरे भाई मैं आपको क्या बोल रहा हूँ पहले मेरी बात सुनो, तुम सिर्फ उतना बताओ डिफिनेशन सही है या अरे गलत भाई है। वो तुम्हारे लिए सही होगा, हमारे लिए सही नहीं है। क्यों, ये मतलब ये हमारे लिए जो है अच्छी, क्या गलत है? अच्छी लैंग्वेज यूज नहीं है हमारे लिए, अगर तुम्हारे लिए सही है तो मान लो। नहीं नहीं, गलत क्या है? नहीं वो तुमको मालूम भाई, हमको नहीं मालूम। तो सुनो, नहीं सुनो बता रहे, मतलब कटुआ का डिफिनेशन भी नहीं पता और कटुआ कहने पर इतना बुरा भी लग जाता है, और बता रहे हैं नबी को किसी ने देखा नहीं और फ्रांस में एक कार्टून छप जाता है पता नहीं किसका, तो उस पे इतना भगदड़ मच जाता है। क्यों भाई, जब किसी को देखा नहीं और कार्टून बन गया तो कैसे पता लग गया कार्टून में वही है? तो भाई मतलब ये तो कैसे पता लगा कि कार्टून में वही है? कैसे पता लगा कि कार्टून में वही है जब वहाँ पे नाम भी नहीं लिखा गया था? तो भाई लेकिन उनके नाम के साथ तो छेड़छाड़ की गई ना भाई, तो बात ही खत्म होगी। नहीं तुम बताओ ना कैसे पता लगा कि कार्टून वही है? तो भाई जब उनका नाम आ गया तो बस वो नहीं, नाम तो नहीं लिखा गया था। नहीं उनका मतलब उनके नाम से मतलब पहले भी क्या गया नहीं बता रहे, तुम्हारी यादाश्त दुरुस्त करते कि वहाँ पे नाम नहीं लिखा गया था, ठीक ना। हाँ बोलो। तो मतलब जब किसी ने देखा नहीं और कार्टून ऐसे ही बन गया, तो जब कार्टून तो कैसे पता लगा कि वही है? तो भाई वहाँ जो मैंने सुना था वहाँ पे तो ऐसा नाम लिखा गया था, इसलिए तो सुनो बता रहे वहाँ पे फ्रांस मार रहा है, ठीक ना जी, बता रहे हैं। हाँ। वहाँ पे जो है वो फ्रांस मार रहा है, ठीक ना। हाँ। जो कार्टून बनाना था फ्रांस ने बना दिया, ठीक ना। हाँ। तो यहाँ पे मतलब भारत में अपनी मैया चुराने की क्या हो सकता है? वहाँ क्या, पे क्या, क्या?
सीधा फ्रांस में चले जाते, वहां से युद्ध लड़ते फ्रांसियों से। तो भाई मतलब यहाँ के मुसलमानों में उतनी मतलब हिम्मत नहीं है ना कि वहाँ जाके मतलब उनसे मतलब लड़ सके, उतनी हिम्मत यहाँ के मुसलमानों में नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ के मुसलमानों में अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो यहाँ के मुसलमानों में सिर्फ इतनी हिम्मत है कि जगह जगह जाकर ये फ्रांस के बैनर और पोस्टर के चक्कर में मतलब यहाँ गाड़ी और बस फूंकते, ये हिम्मत है। मतलब भाई मतलब अपने देश का नुकसान करवा कर क्या साबित करना चाहते हो? मतलब भाई हमने तो नहीं किया ना, जिसने किया वो गलत किया ना। तुम तो मुसलमानों की तरफ से फोन किए थे ना। हाँ तो भाई मुसलमानों की तरफ नहीं, अभी तो अभी हम में तुम में उसमें इनमें ये सिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी, मतलब कहाँ से मतलब ये गेम मत खेलो भाई। जो पूछ रहे हो बताओ ना। नहीं नहीं, अगर यहाँ के मुसलमानों में इतनी हिम्मत नहीं है कि फ्रांस से जाकर लड़ सके, यहाँ के मुसलमानों में इतनी हिम्मत नहीं है कि आई सपोर्ट फिलिस्तीन लिख रहे हैं और फिलिस्तीन का जाकर साथ दे सके, तो यहाँ आग लगाने की क्या हो सकता है? तो भाई वहाँ अभी आपको आपको तो पता है ना ये लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ से मुसलमान कैसे जा सकते हैं भाई फिलिस्तीन, आप बताओ खुद। अच्छा जब फ्रांस का मैटर हुआ तब से लॉकडाउन नहीं था? हाँ तो भाई नहीं गए कुछ मुसलमान, क्या कर सकते हैं इसको बताओ ना। तो यहाँ आग लगाने क्या हो सकता है? मतलब अपने देश का नुकसान करके क्या साबित करना, ये देशभक्त है। बेंगलोर में भी हुआ था ना भाई, बेंगलोर में मतलब कर्नाटका में भी वहाँ पे भी कुछ मतलब हमारे मतलब नबी के बारे में मतलब वहाँ उनके शान में गुस्ताखी की थी। तो वहाँ पे भी मतलब हम बता रहे हैं, ये किसी ने पोस्ट कर दी थी, वहाँ पे मुसलमान जाकर उसका घर फूंक दिया, ये हुआ। क्योंकि क्योंकि हम बता रहे हैं, क्योंकि इन्हें पत्थर चलाने के अलावा और घर जलाने के अलावा ये देश के विकास के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते, क्षमता ही नहीं है। अगर तो नहीं, वो जो अगर हो तो बता दो। देश की भलाई के लिए आज तक कितने मुसलमानों का क्या योगदान है जरा बता दो हमें, परसेंटेज में देख लेंगे हम। पहले किया गया था ना भाई, अभी मतलब बताओ ना, मतलब, बताओ ना, पूरे पूरे आजादी की लड़ाई में हैदराबाद का एक भी मुसलमान नहीं गया था? अगर इतिहास नहीं पता है तो इतिहास उठाकर देख लो। जब क्षमता ही नहीं है तो मूर्खों के जैसे बात करने के लिए क्यों आते हो? पहले योग्यता रखो उस हिसाब से बात करने की। जानकारी है, सुनो मेरी बात, मैं कितने तक पढ़े हो, कितने पढ़े हो, कितने कितने तक पढ़े हो, कितने तक पढ़े हो, सुनो मेरी बात पहले। पढ़े कहाँ तक हो, पढ़े कहाँ तक हो, नहीं पढ़ाई क्या है, योग्यता क्या है तुम्हारी? अभी तो भाई हम ये कर रहे हैं भाई, सीए कर रहे हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंट कर रहे हो, कौन सा ईयर है? अभी मेरा सेकेंड ईयर है। अच्छा, कितने साल का होता है सीए? अभी तो 3 साल का है। सेमेस्टर कितना होता है? 6 सेमेस्टर होते हैं उसमें। सही बोल रहे हो। हाँ हमने तो 7 सुना है। नहीं 6 सेमेस्टर होते हैं। हमने 7 सुना है। हाँ तो भाई लेकिन पढ़ाई लिखाई से क्या है आपका, मतलब ये मैं बताऊँ हाँ। जब नहीं पता हो तो झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भाई झूठ बोलने का नहीं, किसने कहा कि सीए 3 साल का होता है? नहीं सुनो, मैं बता रहा हूँ आपका कितना हुआ, मैं बता रहा हूँ किसने कहा कि सीए 3 साल का होता है। तो भाई सुनो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अभी सुनो मेरी बात। वो जो आपने अभी ये मतलब सीए 3 साल का होता, 4 साल का होता, सुनो मेरी बात। हम बता रहे हैं झूठ बोलना तुम्हारी परंपरा है, झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है तुम लोगों को, मूर्ख बनने की और मूर्ख बनाने की आदत पड़ चुकी है। बेकार में मतलब झूठ बोल बोल के मतलब क्या साबित करना चाहते हो? अभी तुम सीए की बात किए कि हम सीए की तैयारी कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंट की, मतलब बोलने के लिए बोल दिए और कुछ पता है नहीं उसके बारे में। जब नहीं वो योग्यता नहीं है तो झूठ बोलने की क्या हो सकता है, क्या आवश्यकता क्या है कि मतलब इतने महान हो तुम, इतने पढ़े लिखे हो, सही भी तो बोल सकते हो। हम बता रहे हैं 9वीं में पढ़ते हो, 10वीं में पढ़ते हो, इंटर में पढ़ते हो, 11वीं 12वीं जो भी हो,
हेलो। हाँ बोलो तो बताओ ना। नहीं तो मैं नहीं आपका कितना क्वालिफिकेशन हो जरा बताओ। हमारी क्वालिफिकेशन इतनी है ठीक ना, कि अभी तुम हमारे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हो। नहीं भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये सिंपल सा वाला आप हम जवाब बता रहे दें। हम बता रहे हैं ना, हमारी क्वालिफिकेशन इतनी है कि तुम हमारे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हो। अच्छा। नहीं भाई देखो, मैं यहाँ पे हिंदू अब मुस्लिम सुनो तुम्हें। अरे नहीं नहीं भाई नहीं बात सुनो अरे पहले। चलो चलो, हम हिंदू मुस्लिम को गोली मारते हैं, छोड़ो हिंदू हाँ। मुस्लिम छोड़ दिए। चलो तुम अभी योग्यता की बात किए, तो हम हमारी योग्यता वह है कि अब तक तुम एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तो भाई मैं आपको सिर्फ फोन इसलिए लगाया था कि भाई ये सब मतलब ऐसा गाली गलौज मत करो, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो मतलब दिन में कितना बार नबी का नाम लेकर झूठ बोलते हो? तो भाई हम तो ऐसा नहीं, मतलब नहीं, नहीं, आपको झूठ क्या लगा इसमें, मेरे को पहले ये बताओ। नहीं, ये सी, मतलब नहीं, सीएम नहीं, इंसान नहीं, का होता है भाई, नहीं, आपसे कौन नहीं, बोला। नहीं, नहीं, हम बता रहे हैं, हाँ सीए की तुम तैयारी करते हो ठीक ना, हाँ। झूठ बोल रहे हो, जबकि तुम सीए की नहीं तैयारी नहीं नहीं भाई करते सीए, हो। नहीं पहले अरे सुनो, भाई पहले सीए पहले मतलब पहले सीए सुनो, सेकंड ईयर। पहले सुन लो, पहले सुन लो, मूर्ख मत बनाओ ठीक ना। तुम बोलो। सीए सीए की तैयारी कर रहे हो जिसमें झूठ बोल रहे हो ठीक ना, तो नबी का नाम लेकर झूठ कितनी बार बोलते हो दिन में? देखो हमें तो इतना पता है कि मतलब नमाज 5 बार पढ़ते हैं नबी का नाम लेकर ठीक ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमें पता है, ये अच्छा मत ठीक है, मैं सिखाओ आपको अभी सच्चाई बताऊं। हम। सुनो अभी तुम जो बोले ना कि सच्चाई क्या है, मैं आपको बताता हाँ हूँ अभी बताओ सच्चाई क्या है। बताओ। हाँ तो भाई हम क्या मतलब अभी स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं अभी सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ओके। अच्छा मतलब सीए से सिविल इंजीनियरिंग में आ चुके। हाँ तो मैं आपको अभी आपने बोला ना कि सच्चाई बताओ, तो मेरे को आपके सी सामने हो चल कि मैं झूठ चल बोला आपके चल चल सामने। चल चलो, सीए से सिविल इंजीनियरिंग में आ गए ठीक ना। सिविल इंजीनियर। मूर्ख बना रहे हो हमें? हाँ अरे भाई मूर्ख नहीं, ये जो अभी है ना, अभी जो तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट का बोला था हम वो। बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं तुमसे, हम जो YouTube पे वीडियो बना रहे हैं ठीक ना, थोड़ी सी समय निकाल के बना लेते हैं, पहली चीज समझ रहे हो, थोड़ी सी समय निकाल कर वीडियो बना लेते हैं अपने हिंदू भाइयों के लिए, ताकि उनके दिमाग में जाए कि घटनाएं क्या हो रही हैं ठीक। और जो तुम्हें ये चीजें बुरी लग रही हैं ना, हाँ तो पहले उस लेवल के बनो कि उस लेवल पे बात कर सको ठीक ना। क्या मतलब लेवल पे बने बोले तो। हम बता रहे हैं ना, अपनी योग्यता उस तरीके से सुधारो कि हमसे बात करने की क्षमता रखो और हमारे प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता रखो ठीक है भाई। हाँ नहीं ठीक मैं ना। बस आपको इतना बोलने को लगा। हमें सुनो मत सिखाओ ना। तो सुनो भाई जी, मैं आपको ये बता रहा नहीं, नहीं बता रहे हैं, हमारी योग्यता क्या है तुम्हें पता लग गई होगी। हाँ हाँ बहुत अच्छे। नहीं सुनो मेरी बात नहीं, अभी क्या। हम हमें सिखा हमें अपनी योग्यता साबित करने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा ठीक, देखो मैं बस इतना तुमको बोलने के लिए लगाया भाई, मतलब तुम मत बोलो, तुम्हारी क्षमता ही नहीं है बोलने की, पहले जाकर पढ़ाई कर लो, तो भाई अभी तो पढ़ाई स्टार्ट कर है ना पढ़ाई, अभी लो। तो ना पढ़ाई हम छोड़ के, मतलब मैं बस आपका नंबर मिला था तो आपसे कॉल करके बात कर लेना बस। तो हाँ तो नंबर मिला तो इतनी रात को फोन कर दिए, जैसे रिश्तेदार हैं हम तुम्हारे। तो भाई आपको नहीं, बताने के लिए मतलब क्या था ना, मतलब अभी जैसे सुबह में सुनो, नहीं आपको सुबह में आपको फोन करता तो आप सुन रहे। हम बता रहे हैं जैसे रिश्तेदार हैं हम तुम्हारे, कि हमारे पास इतनी रात के फोन कर दो, हमारे पास तो सोने के लिए टाइम नहीं है, हम अरे कहाँ सोते भाई हैं, मतलब मोहम्मद के औलाद ही सोते होंगे। अभी थोड़ा लैंग्वेज में आपके मतलब ये आ रहा अभी, मतलब हमारी लैंग्वेज ऐसी ही है, तो भाई इस लैंग्वेज को थोड़ा मतलब चेंज नहीं करो बस नहीं इतना। नहीं नहीं सुधर सकता, बताइए। तो भाई मैं आपको मतलब कुछ गलत नहीं बात तो नहीं सुधर बोला ना, सकता, अगर मैं नहीं आपको सुधर गलत बात। सकता, नहीं सुधर सकता। ठीक भाई ठीक है, मैं आपके पास फिर से अगर देखो आप जितने सवाल आपने पूछे ना, तो उसका कल पूरा का पूरा मैं आपको जवाब दूंगा विद प्रूफ दूंगा। ओके। जो कुरान में काफिरों की हत्या की बात जिक्र की गई है ना, हाँ मौलाना साहब से अच्छे से चर्चा कर लेना ठीक ना। हाँ नहीं तो नहीं, पहले मौलाना पहले साहब का ये पहले लेता हूँ, पहले कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ। पहले पहले सुन लो, मौलाना से अच्छे से चर्चा कर लेना ठीक ना, और उससे पूछ लेना कि नहीं तो मौलाना को हम कॉन्फ्रेंस बता पे रहे हैं, नहीं है। हम बता रहे हैं, मौलाना से अच्छे से पूछ लेना कि काफिरों की हत्या करने की बात क्यों की गई है। ठीक है, पूरा पूरा पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आपको कल कॉल करता हूँ। अभी कर लो मौलाना के पास कॉल, अभी थोड़ा ना मौलाना उठाएंगे फोन, क्यों? मैं कल मौलाना को खुद लेके ना आऊंगा ना। ना ना,
मस्जिद के मौलाना है वो तो फोन ना उठाएंगे, हम तो तुम जैसे जाहिलों के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे फोन उठाने के लिए, क्या सोच के फोन कर दिए? तो भाई इसलिए ये सोच के फोन किया कि अभी आप फ्री होंगे ना, मतलब दिन भर अच्छा। आप बिजी रहते रहेंगे तो अभी फ्री रहेंगे इसलिए आपको कॉल किया। मैंने आपको मौलाना फ्री नहीं है, हम फ्री हैं। तो भाई अभी जाके क्या उनको उठाऊ मैं कि भाई इनका फोन आया, इनको बताओ सब अभी क्या क्या कुरान में लिखा हुआ। तो हमें क्यों उठाए? तो अभी क्या मतलब सोए थे आप? नहीं नहीं, हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब हम क्या मतलब गालियां सुनने ही काम करते रहते हो। अरे भाई मैं आपको अभी तक मतलब कुछ भी मतलब बोला नहीं, मतलब गालियां सुनने वाली काम क्यों करते हो? हम तुम्हारे रिश्तेदार तो है नहीं जो इतनी रात को फोन कर रहे हो तुम? मैंने थोड़ी ना बोला कि आप मेरे ये हो रिश्तेदार हो। तो फिर इतनी रात को फोन करने का मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं देखो, पहली चीज की मुसलमानों की हम क्षमता बता रहे हैं, चार रात में फोन करेंगे, चार गाली देंगे और आठ गाली खाएंगे फिर सो जाएंगे, फायदा? भाई हम तो मतलब ना गाली देते ना गाली सुनते हैं, हमारा मतलब पहले से। नहीं नहीं, फायदा बताओ ना। हम सामने वाले से अच्छे से ही बात करते हैं भाई, अगर सामने वाला वो टेढ़ा बात करता है तो फिर बाद में तो वही बता रहे हैं, फायदा बताओ ना। इतनी रात को किस उद्देश्य से फोन किए? हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो इतनी रात को फोन उठाएंगे? अच्छा भाई अभी रहने तो, अगर देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ भी अगर ऐसा बोला तो उसके लिए सॉरी, मैं आपको कल फोन लगाता हूँ और पूरे आपके जो हमने बोला ना। अरे सुनो सुनो सुनो, क्या बोला अभी तुमने? क्या क्या बोले? क्या बोला अभी तुमने कि गलत लगा हो तो? मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने आपसे तू तड़ाके से बात की थी ना, वो आपने बोला था हाँ, तो उसके लिए सॉरी बोला आपको और क्या? अरे तेरी की, मतलब सॉरी बोला? हम तो धन्य हो गए भाई कि मतलब मुसलमान सॉरी बोला हमसे, मतलब इतनी अच्छाई है कब से आने लगी भाई साहब? ठीक है भाई, अभी देखो अभी क्या है, मैं कल आपको फोन करता हूँ सच्ची। ना ना बताइए, नहीं बता, इतनी अच्छाई कब से आ गई? तो भाई हम मतलब ऐसा मतलब हम क्या? वो हम क्या लैंग्वेज यूज करने वाले नहीं है ना? नहीं, डीएनए में कहीं ना कहीं सनातन है भैया, बदल लो। ठीक है लो, अभी मैं कल फोन लगाता हूँ आपको, पक्का फोन लगाता हूँ। नहीं, हम बता रहे हैं ना, कहने का मतलब इंसानियत है तुम्हारे अंदर, अगर है तो इंसान बन जाओ। ठीक है लो, कल फोन लगाता हूँ। नहीं, कल तो तुम फोन लगाना है मत, क्योंकि वहाँ योग्यता नहीं है तुम्हारी बात करने की, ठीक है ना? तो भाई कल पूरा प्रूफ लेके लगाऊंगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, मौलाना साहब से इतना पूछना कि काफिरों की हत्या क्यों की जाए? ठीक है, वो पूछ के तो फोन लगाऊंगा ना। नहीं, हम बता, मौलाना से इतना पूछ लेना काफिरों की हत्या क्यों की जाए, ठीक ना? पहली चीज। ठीक है, और अगर बताए कि वो मतलब ये नबी को नहीं माने इसलिए काफिरों के, तो भैया ये उनकी इच्छा है कि वो नबी को माने ना माने, किसको माने किसको नहीं माने उनकी इच्छा है। ठीक है। नहीं, अगर किसी को इच्छा है कि वो दोगलों को मानेंगे, भाई मैं आपको कल लगाता हूँ कॉल। हम बता रहे हैं ना, अब कोई कुत्ता है, ठीक ना, अगर उसकी इच्छा है कि वो बिल्ली को मानेगा तो किसी को क्या तकलीफ है? और अगर कोई इंसान है, हिंदू है, सनातनी है, अगर उसकी इच्छा है कि वो शेर को मानेगा तो ये उसकी इच्छा है। भाई मैं कल लगाता हूँ आपको कॉल। मौलाना से ये चीज जरूर पूछना कि नबी को अगर कोई नहीं मानता तो उसकी हत्या क्यों करे? ठीक है ना? और इस पूरे प्रश्न का अगर जवाब मिल जाए फिर फोन करना, अन्यथा मत करना। ठीक, कुछ कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, मौलाना साहब से इतना पूछना कि काफिरों की हत्या क्यों की जाए? ठीक है, हम बता, मौलाना से इतना पूछ लेना काफिरों की हत्या क्यों की जाए, ठीक ना? पहली चीज। ठीक है। और अगर बताए कि वो मतलब ये नबी को नहीं माने इसलिए काफिरों के, तो भैया ये उनकी इच्छा है कि वो नबी को माने ना माने, किसको माने किसको नहीं माने उनकी इच्छा है। ठीक है ना। और इस पूरे प्रश्न का अगर जवाब मिल जाए फिर फोन करना, अन्यथा मत करना। ठीक है ना। और अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो ना तो सनातन धर्म अपना लेना। चलो ठीक है, मैं कल लगाता हूँ, क्योंकि थोड़े से इंसान बन जाओ। हाँ ठीक, जय श्री राम। अब तो बोल दो क्या? जय श्री राम।
अरे भाई मैं आपको बोलता हूँ, कल लगाता हूँ ना मैं आपको फोन। नहीं, तुम्हारा नाम क्या बताया? समीर। अच्छा तो आप बोल दो जय श्री राम। अरे भाई हम तो बोलते हैं जय श्री राम, बोलते हैं भारत माता की जय, बोलते हैं हम सब बोलते हैं, हमको तो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो बोलो जय श्री राम। तो बोला ना अभी आपके सामने, तो बोलो ना जय श्री राम, बोला ना अभी। नहीं तो अभी बोलो ना जय श्री राम। तो नहीं, अगर तुम्हें भाईचारा इतना पसंद हुआ है तो जय श्री राम बोलो ना। जय श्री राम बोला ना अभी, तो बोलो तो। हाँ तो अभी वो बोला तो अभी जय श्री राम। रोको। अच्छा जय श्री राम बोल दिया।